यहाँ पे वो तीन चार इश्यूज के लिए है। पहला इशू है कि हमने आज नोटिस जारी किया है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को और टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट से एक स्टोरी प्लांट की है 27 नवंबर को, जिसमें रोशनी स्कीम के तहत ये दिखाया गया है कि मेरे वालिद जीएम शाह के और हमारे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मगरमल बाग में है, हम वहाँ के इलीगल एनक्रोचर्स हैं। तो आज ये नोटिस उनको गया है कि ये झूठ आपने किस तरह, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से झूठ फैलाने की अवाम में, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर, और हमारी पूरी फैमिली को आप इसमें मुलव्वस करना चाह रहे हैं। हताकि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है वहाँ पर, ये 1948 में मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने 30,000 रुपये अपना छतबल का घर बेचकर, और उस वक्त के कैबिनेट सैंक्शन के तहत, क्योंकि वो कंट्रोलर फूड एंड सप्लाईज थे 1948 में शेर कश्मीर की गवर्नमेंट में, और मगरमल का ये जो प्रॉपर्टी हमारी है इसको लिया गया था, और बाजाब्ता तौर हम वहाँ के लीगल ऑक्यूपेंट हैं, और हम इस ज़िम्रे ये रोशनी स्कीम वगैरह इस ज़िम्रे के तहत नहीं आ रहे हैं। तो हमने आज ये नोटिस इशू कर दी है और 5 करोड़ रुपए का मैंने दावा किया हुआ है डिफेमेशन चार्जेस टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ जो आजकल सिलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं रोशनी स्कीम के, वो बिलखसूस टारगेट कर रहे हैं हमारी फैमिली को। उन्होंने मेरी मासी मोहतरमा सुरैया अली मट्टू का नाम लिया है, डॉक्टर फारूक साहब और उनकी फैमिली का नाम लिया है, और हमारा नाम लिया है। और जहाँ तक रोशनी स्कीम का ताल्लुक है, हमारा इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, किसी का भी नहीं। रोशनी स्कीम जो है, जिसके तहत किसी ने भी अगर उसका गलत फ़ायदा उठाया हो, चाहे श्रीनगर में या जम्मू में, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और आजकल ये पता लग रहा है अब कि इस रोशनी स्कीम के तहत बिलखसूस जम्मू में जो भी इसके तहत कांड हुए हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोग फंस रहे हैं अब, वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं। और ये मामला इसीलिए किया गया है क्योंकि इस वक्त इलेक्शन ये डीडीसी के चल रहे हैं, और इस वक्त पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, जो भी उनको हाथ लग रहा है उनकी इमेज को बर्बाद करना, उनकी इमेज को सली करना, और झूठ, बेसिकली झूठ का सहारा लेकर ये सब किया जा रहा है। जो जो भी इसमें, क्योंकि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, इसमें मैक्सिमम जो फैमिलीज हैं वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन हैं, जो अपनी अपनी इन जायदादों और ज़मीनों पर रह रहे हैं, जो बाज़ाब्ता तौर इनको आप एनक्रोचर्स नहीं कह सकते हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट्स नहीं कह सकते हैं। और ये खसूसन अपने जम्मू में जितने भी ये लोगों को 2 कनाल, 4, 1 कनाल, 5 मरला, 10 मरले, 12 मरले, जो भी छोटे तबके के लोगों को वहाँ दिया गया है, बेसिकली उनको बेदखल करने के ये आरएसएस और बीजेपी का गेम प्लान है। और वो आज एक्सपोज हो गया है क्योंकि इसमें आरएसएस और बीजेपी के मंत्री और इनके एमएलएज उसमें फंस गए। सो मैं ये नोटिस, इस ये एक कॉपी जो ये नोटिस की आप सबको देता हूँ, ये आपके लिए, आप देख लीजिए, और इसके साथ इसको बाज़ाब्ता तौर अपने प्रोग्राम के तहत पब्लिश कीजिए।